ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। जिनके लिए है हमारे मन में सत्कार, जिनसे करते हैं हम बहुत बहुत सारा प्यार, लेकर आए हैं हम उनके लिए संदेश टू सोल्जर्स। संदेश टू सोल्जर्स, जहां हमारे शो के माध्यम से आप हमारे सैनिकों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपके जज्बातों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शानदार प्लेटफॉर्म है। जी, आपको बता दें कि संदेश टू सोल्जर्स में मैं हूँ नरेंद्र और मैं हूँ आपके साथ अनूप। और दोस्तों, अगर आप हमें मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको अपना फोन उठाना है, मैसेज बॉक्स में जाना है, टाइप करना है RAIN रेन, स्पेस देते हुए मैसेज लिखिए, अपना नाम लिखिए, भेजिए 56060 पर। एक खास बात और बता दूं, अगर आप फेसबुक पेज पे जाना चाहें तो AIR.SandeshToSoldiers हमारा फेसबुक पेज है, जिस पर आप मैसेज दे सकते हैं सोल्जर्स के नाम, और उसके अलावा उस पेज को लाइक भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और नरेंद्र जी, एक चीज मेरे जहन में आ रही थी कि अगर मैं भारत को देखूं तो कहीं पहाड़ है, कहीं पर कोस्टल एरियाज है, तो कहीं पर प्लेन्स है, और जैसे जैसे टोपोग्राफी चेंज होती है वैसे वैसे वहां पे जो डिजास्टर्स आ सकते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के DIG ऑपरेशंस रणदीप राणा जी। स्वागत है सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू अनूप जी। सर, 2006 में NDRF की स्थापना हुई, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो सर आप इसके रोल के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? देखिए, जहाँ तक NDRF की बात है, मैं आपके माध्यम से अपने देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो, या CBRN से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हो, उससे निपटने के लिए NDRF पूरी तरह से ना सिर्फ तैयार है बल्कि तैनात भी है। क्योंकि पूरे देश भर में हमारे 12 जगह पे बटालियन हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पे टीम्स हमारी आधे घंटे के नोटिस पे तैयार रहती है, और कोई भी सूचना मिलने पे 10 से 15 मिनट के बीच में हमारी टीम रवाना हो जाती है। उसके अलावा भी 23 ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमारे रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर्स हैं। इस तरह से पूरे देश भर में 35 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे NDRF की टीम आधे घंटे में मूव करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। अमेजिंग, बहुत बड़ी बात है कि आधे घंटे के अंदर आपकी जो NDRF की टीम है वो मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार होती है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की जरूरत होती है। तो ये जो वर्कफोर्स है, जो हमारे लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, क्या इनका रिक्रूटमेंट होता है या इनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है? नरेंद्र जी, वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है काफ़ी बड़ी, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी आगे मैं जाके ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही डेडिकेटेड और ट्रेन्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है जी, क्योंकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए बाकी संसाधन और जो औजार है, इक्विपमेंट है, उनकी तो ज़रूरत होती ही होती है जी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपदा राहत पहुंचाने वाले लोगों का जो लेवल ऑफ कमिटमेंट जी, और बहुत ही ऊंचे दर्जे का कमिटमेंट चाहिए। इसके लिए इस NDRF में जो लोग आते हैं वो विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन पे आते हैं जी, और 5 साल के लिए वो NDRF में रहते हैं, उनको आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपना कार्य यहाँ पे 5 साल का पूरा करने के बाद वो वापस अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वापस जाते हैं जी, और वहाँ जाके भी वो अपने बाकी साथियों को इस बारे में जानकारी देते रहते हैं जी, और जब भी आपदा आती है तो जहाँ भी वो डिप्लॉयड हैं वो अपना योगदान आपदा राहत में देते रहते हैं जी। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो हमारा फोरकास्टिंग सिस्टम है,
वो दुनिया का बेहतरीन फोरकास्टिंग सिस्टम है। और जो हम लोगों ने देखा 2013 और 2014 में जो हुदहुद और फाइलिन साइक्लोन आए थे, उसमें हमारे देश का जो रिस्पांस था, एनडीआरएफ का तो रिस्पांस था ही उसमें बेहतरीन, लेकिन पूरे देश का जो रिस्पांस था, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रिस्पांस था, वो पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई है। और उस इंटेंसिटी के साइक्लोन्स में दूसरे देशों में बहुत नुकसान होता है, बहुत जाने जाती है, लेकिन ये हम सब की तैयारी ही थी कि यहाँ पे ना के बराबर उन साइक्लोन्स में नुकसान हुआ। तो नरेंद्र जी, आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है आपके और मेरे रिएक्शन में और उनके रिएक्शन में। आप और मैं स्पोका सुन के दुबक लेते हैं और यहाँ पर प्रेपरेटरी जो चीजें हैं वो तैयार हो जाती हैं। तभी तो हम अपने सैनिकों को, हमारी जो रक्षा सेनाएं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सबको सलाम करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स नरेंद्र और अनूप के साथ। एसएमएस करते रहिए, एसएमएस के लिए आप रेन लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, फिर लिखिए अपना मैसेज, उसके बाद फिर स्पेस दीजिए, नाम लिखिए और साथ साथ कहां से आपने एसएमएस भेजा है वो लिखिए और उसे भेजिए 56060 पर। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, हमारा फेसबुक पर आईडी है AIR.SandeshToSoldiers। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं आपके जो पिछली बार हमारे प्रोग्राम में पहुंचे तो थे लेकिन शामिल नहीं हो पाए थे, तो क्यों ना नरेंद्र जी इन मैसेजेस को ले लिया जाए। बिल्कुल सही बात है, पर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसा कि हमने अपने पिछले शोज में बताया ही है कि संदेश टू सोल्जर्स में पूरे देश से हमारे पास हजारों लेटर्स आए थे, तो भाई उनको भी तो इस शो में शामिल करना है ना। बिल्कुल शामिल करना है, लेकिन शुरुआत मैं करने वाली हूँ एसएमएस के साथ। और ये जो पहला मैसेज हम लेने वाले हैं, ये आया है करमचंद जी का और नवापाड़ा से। कहते हैं कि देश की सीमा पर जवान होता है, देशवासी चैन की नींद सोता है, जवानों पर ही देश निर्भर होता है, इस जवान को सलाम। चंदूलाल कोचे ने कहा है उत्तर नागपुर विदर्भ से, इन्होंने पत्र लिखा है, इन्होंने कहा है कि जो नौजवान शहीद हुए हैं उनको हमारे पूरे परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। रायबरेली से विशाल कहते हैं कि फौजी भाइयों को नमस्कार है, हमारा भारत माता को प्रणाम है, देश पर जो जान लुटाते हैं ऐसा वादा निभाते हैं हमारे फौजी भाई। वाई से दीपिका ने कहा है कि मैं अपने सभी सोल्जर्स हैं जो कि सीमाओं पर डटे हुए हैं हमारी रक्षा के लिए, उनको सैल्यूट करना चाहती हूं। महाराष्ट्र से सुदेश जाधव हैं, ये लिखते हैं कि आप वहां हो इसलिए हम यहां सुखी हैं, आपके कारण ही हम यहां पर हंस रहे हैं, आप जब वहां पर लड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि कभी हार हमारी नहीं होगी। देहरादून से सुरभि ने लिखा है कि वो पल भी क्या पल रहा होगा जब खुदा आपको बना रहा होगा। और ये सलाम भेजा है रुड़की हरिद्वार से सद्दाम अंसारी जी ने हमारे सोल्जर्स के लिए। कहते हैं तहे दिल से मैं आपको सलाम करता हूँ, जय हिंद। और अनस हमें मैसेज भेजते हैं कि हम लोगों की शांति के लिए आप खुशी कुर्बान कर देते हैं, अपनी जान देकर अपने देश को सींच देते हैं, आपको मेरा सलाम। शैलजा ने लिखा है संघर्ष ही जीवन है और आप लोगों का संघर्ष कई हजार लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित करता है। देहरादून से नीरू कहती है कि माई सल्यूट टू ऑल द हीरोज हु आर प्रोटेक्टिंग अस एंड वी फील सेफ बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइस। महाराष्ट्र से नवीन लिखते हैं देश की सीमा की जो रक्षा कर रहे हैं उनको हमेशा सल्यूट करो। रूपा दुबे राजस्थान से कहती हैं कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमें अपनी इस लाइफ को पूरी तरह देश सेवा में लगा देना चाहिए। मैं अपने देश गान को कहीं भी सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत गर्व होता है। वेलकम बैक टू संदेश टू सोल्जर्स। और आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़े हैं एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस रणदीप राणा। किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं, मतलब जो पहाड़ी एरिया के जो आपकी बटालियन है उसके लिए आप अलग तरह की ट्रेनिंग होती है, कोस्टल एरिया के लिए अलग तरह की होती है, या सबकी ट्रेनिंग एक समान होती है, कहीं भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं? देखिए, हर आपदा के लिए निश्चित तौर पर अलग तरह की मदद की जरूरत होती है और उसी से उसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है वो निर्धारित होती है जी। वो चाहे वो बाढ़ राहत है उसके लिए बिल्कुल ही अलग तरह का इक्विपमेंट और अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए, साइक्लोन के लिए अलग तरह का पूरी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, और अर्थक्वेक जो कि किसी भी कोलैप्स स्ट्रक्चर में किस तरह से फंसे हुए लोगों की मदद करनी है उसके लिए इक्विपमेंट बिल्कुल अलग तरह का होता है। तो हम अपने रेस्क्यूअर्स को जो ट्रेनिंग देते हैं वो इन सभी का मिला जुला स्वरूप होता है और हर प्रकार की ट्रेनिंग का एक अलग से मॉड्यूल होता है,
और हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो चाहे बाढ़ राहत हो या माउंटेन रेस्क्यू हो, अर्थक्वेक हो या सुनामी हो, उन सबसे निपटने की हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स निर्धारित हैं। ओके सो सर, मैं एक इमेजिन कर रही हूँ एक सिचुएशन कि आप यू नो इस ऑपरेशन के बीचों बीच हैं एकदम, और बहुत टेंस सिचुएशन है, आप चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट आपको, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑपरेशन याद आता है जहाँ पर आपको बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ें फेस करनी पड़ी हों? यूँ तो आप कंट्रोल में रहते हैं, हमें पता है। देखिए, आपदा अपने आप में उसका स्वभाव ऐसा होता है कि जहाँ आपदा होगी वहाँ पे काफ़ी सारी टेंशन्स होंगी, काफ़ी सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म करने का उस पर सबके मन में ये प्रेशर होता है, क्योंकि अंदर जान फंसी हुई है। जिंदा लोगों को निकालने की जहाँ बात आती है वहाँ पे बहुत सारे दिमाग में चीज़ चलती रहती है, और उस वक्त एक ही चीज़ दिमाग में हमारे काम करती है कि जल्दी से जल्दी हम मदद लेके फंसे हुए लोगों तक पहुंचे। और ये एक ऐसी चीज है कि उसमें अगर हम दिमागी रूप से कमजोर पड़ जाएंगे तो अपना कार्य अच्छे प्रकार से नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और जिस बैकग्राउंड से हमारे रेस्क्यूअर्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज में अपने आप में ही उनके ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जहाँ मुश्किल वक्त कमांडो सख्त वाली जो बात आती है वो एनडीआरएफ के कार्य में पूरी तरह से उसको हमें लागू करना पड़ता है। जी, और ये हमने श्रीनगर फ्लड्स के दौरान देखा जी, और उत्तराखंड में जो डिजास्टर आया था उसमें भी हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ पे एक पूरा शहर, पूरी कैपिटल सिटी पानी के नीचे है, माय गॉड, जहाँ पे कम्युनिकेशन के साधन खत्म है, जहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं, उन तक बहुत जल्दी राहत पहुंचाना एक बहुत ही प्रायोरिटी का काम होता है, बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। उस सूरत में हमारे रेस्क्यूअर्स ये देख नहीं पाते हैं कि मैं पिछले 24 घंटे से 36 घंटे से मैंने रेस्ट किया नहीं किया, खाना खाया नहीं खाया, तो ये मोटिवेशन का लेवल ही है जो उनको अपने आराम की, अपने खाने पीने की परवाह किए बिना जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। एनडीआरएफ हमेशा अलर्ट और हमेशा सजग रहता है। मैं समझ रहा हूँ कि हम सवाल भी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। जो सलाम भेजा है, ये भेजा है जूनागढ़ सिटी से अकरम मोहम्मद पारिख जी ने। फौजी भाइयों को इनका सलाम। राजेंद्र अल्मोड़ा उत्तराखंड से कहते हैं कि हम कुपवाड़ा में तैनात सभी सैनिक भाइयों को सलाम करते हैं, वहां पे वे रोज आतंकी साए में ड्यूटी भी करते हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। डॉक्टर चैतन्य ने कहा है कि थैंक यू सो मच कि आप हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और आप ही की वजह से हम अपने त्योहारों को मना पाते हैं। ट्रू इंडियन का कहना है, वी रिस्पेक्ट यू, इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट वी स्लीप पीसफुली एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हम सभी 125 करोड़ देशवासियों को आप पर गर्व है, और गर्व उस माँ पर भी है जिसने आप जैसे सैनिकों को जन्म दिया। मेरे लिए तो आप ही भारत रत्न हो। सैल्यूट करता हूँ उन शहीदों को जो भारत की रक्षा के लिए शहीद हुए, और मैं सलाम करता हूं उनके परिवारों को भी। किशोर कुमार ने कहा है, सतारा से रविंद्र ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन आप सबको समर्पित। नीलू यादव ने अमेठी से लिखा है कि आपके सपने और जिम्मेदारियां हम सभी की जिम्मेदारियां हैं, समूचा देश आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और हम सभी आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मिसेस किरण चौहान कहती हैं, डियर सोल्जर्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ योर वैलर एंड सैक्रिफाइसेस, प्लीज डोंट एवर थिंक दैट यू आर अलोन, एंटायर कंट्री इज विद यू एंड योर फैमिलीज। परितोष पांडे अमेठी से ही लिख रहा है, दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको हमेशा याद आते रहें, जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी आप यूं ही दिए की तरह इस संसार में जगमगाते रहें। सतारा से ही रवीना जाधव कहती हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। राजेश कुमार ने गुड़गांव से लिखा है कि आप बलिदान करते हैं देश के लिए, आपके बलिदान के आगे, आपकी वीरता के आगे नतमस्तक हैं हम। नरेंद्र जी, शांति काल में यानी पीस टाइम में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है अशोक चक्र, और इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हवलदार हंगपन दादा को देश के लिए उनके सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।
स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेसन लोवंग दादा। अरुणाचल प्रदेश का बोदुरिया गांव, यही जन्म हुआ था हंगपन दादा का। 1997 में वो असम रेजिमेंट में शामिल हुए। बचपन तो आम बचपन की तरह ही था, लेकिन हंगपन दादा में कुछ कर गुजरने का जज्बा शुरू से ही था। फुटबॉल का खेल हो या दोस्तों के साथ दौड़, पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की शरारत हो या डूबते दोस्त की जान बचाने का साहस, हंगपन दादा हमेशा सबसे पहले और सबसे आगे रहते थे और उनकी यही आदत अंतिम समय तक बनी रही। 26 मई 2016 सीओ साहब के पास सुबह सुबह खबर पहुंची। क्या? चार मिलिटेंट नजर आए हैं, नजर रखना उन पर, ध्यान रखना कोई हरकत न करने पाए। वो 35 राष्ट्रीय राइफल्स के हाई माउंटेन रेंज में तैनात हवलदार हंगपन दादा अपने यूनिट के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर 12,000 फीट ऊंचे शमसाबारी की पहाड़ियों के पास अपनी ड्यूटी पर थे। हाँ दादा, अभी चार मिलिटेंट का हरकत दिखा है मीरा नाला से साबू की तरफ। आपने स्टॉप एस्टेब्लिश करना है मीरा नाला से मीरा रिज की तरफ, और ध्यान रखना कोई आपका हरकत नहीं दिखना चाहिए। आतंकवादियों को धर दबोचने का आदेश मिला। हवलदार हंगपन दादा अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। आतंकवादियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। हंगपन दादा रेंगते हुए चट्टानों के पीछे छुपे आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे और निशाना साधा। एक आतंकवादी ढेर। अब बारी थी दूसरे आतंकवादी की। तीसरा आतंकवादी बचकर भागने लगा, लेकिन दादा ने जख्मी होने के बाद भी उसका पीछा किया, उसे पकड़ा। आतंकी के साथ हाथापाई भी हुई, लेकिन अंत में उन्होंने उसे भी मार गिराया। इस लड़ाई में हंगपन दादा को भी गोली लग गई। साथ जब फायरिंग होता है तो उसमें हमारा जान का खतरा है, गोली के सामने जाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा देर बाद वो पेट पकड़ के फिर खड़ा होना शुरू हो गया। जो हिम्मत है वो जुटाते हैं, अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तब तक खून बह रहा था, लेकिन काम अभी बाकी था। जब तक चौथा आतंकवादी मारा नहीं गया, तब तक हंगपन दादा ने अपनी मौत को भी इंतजार करने पर मजबूर कर दिया। मृत्यु भी बहादुरों के सम्मान में ठिठक ही जाती है। हंगपन दादा देश की रक्षा के लिए अपना फर्ज निभाते हुए शहीद हो गए। पीछे छोड़ गए कुछ यादें। पत्नी चासेन लवांग को गर्व है अपने पति पर। साजी हम लोग चार्ज में क्या था बचालो, तो पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं। कभी छुट्टी आएगा एक महीना ना, एक महीना आता था, तो वो क्रिसमस समय में तो चालो लोग को इस समय आता था। बड़े भाई लाफांग दादा के लिए वो हीरो थे और हीरो ही रहेंगे। उसके बारे में तो डिफिनेशन देने से कम है, स्याही खत्म हो जाएगा। हवलदार हंगपन दादा, आपकी वीरता और बलिदान को सलाम। तुम हार हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। संदेश टू सोल्जर्स। हंगपन दादा जैसे वीर सेनानियों को हमारा सलाम। और नरेंद्र, हमारे ये जो जांबाज सैनिक है ना सिर्फ सीमाओं पर बल्कि देश के भीतर भी हमारे सुकून का इतना ध्यान रखते हैं कि हम पर मुसीबत ना आए इसके लिए अपने पर मुसीबत झेल जाते हैं। अनूप, हमारे सैनिकों को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो तो वो शब्द है कमिटमेंट।
और अगर एनडीआरएफ की बात करें तो ना केवल भारत में बल्कि जापान में भी अपनी कमिटमेंट की एक अनोखी मिसाल एनडीआरएफ ने दी है। देखिए, जापान में एनडीआरएफ की टीम काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रही और वहाँ के जो हालात थे उस वक्त, रेडिएशन का काफ़ी खतरा था, टेम्परेचर काफ़ी कम था, -2 -3 डिग्री टेम्परेचर में हमारे लोगों ने वहाँ पर काम किया और नॉन स्टॉप काम किया। आमतौर पे इस तरह के हालात में कोशिश ये होती है कि रोटेशन पे 6 घंटे काम किया फिर आराम किया, लेकिन वहाँ हालात ऐसे थे कि हमारे लोगों ने ये सोचा कि ठीक है हम आराम 2 घंटे काम कर लेंगे, लेकिन जापान के लोगों की हम जितनी मदद कर पाए हम मदद ज़रूर करें। और उसी का शायद नतीजा है कि जापान के लोग, जापान के प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ के लिए अलग से एक बहुत ही प्रभावशाली शुक्रिया अदा करते हुए मैसेज दिया। जी, अभी पिछले साल हमारे होम मिनिस्टर जब जापान गए तो फुकुशिमा के मेयर ने उनसे मिलकर अपना शुक्रिया अदा किया कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आई और जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों की मदद की वो हम कभी भुला नहीं पाए। सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। यहीं पे मैं नेपाल अर्थक्वेक के बारे में भी बताना चाहूंगा कि जब नेपाल में अर्थक्वेक आया पिछले साल तो एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुंचने वाली टीम में शामिल थी। दोपहर में 12:30 बजे अर्थक्वेक आया और 5 बजे हमारी टीम काठमांडू में थी, लोगों की मदद कर रही थी। वंडरफुल। और सर, ये जो आप नरेट कर रहे हैं ना, आपने तो वो सीन्स देखे हैं, मैं यहाँ पे इमेजिन कर रही हूँ कैसे होंगे। एंड मुझे ये पता चला कि आपकी जिंदगी में रोजमर्रा में जिस तरीके का रोमांच एंड एडवेंचर भरा हुआ है वो शायद मूवीज में ना एक पूरी टीम स्पेशल इफेक्ट की क्रिएट करती है। जी, कई मूवीज में बहुत अच्छा एक्शन होता है, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स होते हैं, लेकिन वो देख के कई बार हम लोगों को लगता है कि शायद इन लोगों को हकीकत का पता ही नहीं है। हकीकत इससे कहीं ज्यादा रोमांचक है। जी, जी, जी। एनडीआरएफ का जो कार्य क्षेत्र है इसमें कार्य करने के लिए जो कमिटमेंट का लेवल चाहिए, क्योंकि जब भी आपदा आती है, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट है या भूकंप है, उसमें जिस तरह के हालात होते हैं किसी भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल के और उन हालात से निपटे, फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाए, क्योंकि बहुत ही हृदय विदारक दृश्य होता है बहुत बार। जी, जी, जी। तो उसमें फिजिकली ही नहीं मानसिक तौर पे भी बहुत ही ताकत और मजबूती की जरूरत होती है। जी। और उस नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल में एनडीआरएफ में जो देखा है, हमारे रेस्क्यूअर्स चाहे वो सिपाही से लेके और कमांडेंट तक, सभी लोग हर मुश्किल हालात में जिस तरह से निपटते हैं, कई बार तो ये सोच पाना भी मुश्किल होता है कि ये कैसे संभव हो पाया। जी। लेकिन एक ही उसमें ध्येय होता है कि कोई हमारा मुसीबत के टाइम पे इंतजार कर रहा है और ये हमें एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों की इस तरह से मदद करने की। तो इसमें बाकी सब चीजें गौण है, बाकी सब चीजें छोटी है। जी। जरूरतमंद आदमी तक मदद पहुंचाना सबसे बड़ा एक तरह से सर्विस का हमारा मोटो है और यही चीज हम लोगों को प्रेरित करती रहती है। और आज हमें भी मौका मिला आपसे रूबरू होने का, आपसे बात करने का और एनडीआरएफ के बारे में जानने का। रणदीप राणा जी, संदेश टू सोल्जर्स में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू अनूप जी, थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो।